हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स बायोलॉजी में डिजियर। आज हम बात करेंगे स्पॉन्जेस को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में, जो कि केवल केवल एनसीईआरटी बेस्ड है, बाहर से मैंने कोई पॉइंट नहीं लिया है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। आपने भी सुना होगा कि माधवराव सिंधिया ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसी के आधार पर मैंने बनाया हुआ है कि सिंधिया सेल कैन ओनली ऑपरेट स्कूल कॉलेजेस स्पोर्ट्स एचआर फॉर डिफेक्शन और डिफेक्शन लॉ के लिए केवल सिंधिया सेल ही एमपी को कंट्रोल कर सकती, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसे डीकोड कैसे करेंगे? सबसे पहले एस फॉर हो जाएगा स्पॉन्जेस। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जाएगा सी से, क्या हो जाएगा? ये होती है सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जानते होंगे, आपको पता होगा सेलुलर लेवल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कैन से क्या हो जाएगा? कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम। फिर ओ से क्या हो जाएगा? ऑस्टिया, ऑस्टिया इज माउथ लाइक, माउथ लाइक। फिर ओ से क्या हो जाएगा? ऑस्कुलम, दिस इज एनस लाइक, यहां से खाना बाहर जाता है, इसे एनस लाइक, एनस नहीं कह सकते इसे, इसलिए मैं बोल रहा हूं एनस लाइक। स्कूल से क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, इसे क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। इट इज लाइंड बाय क्वानोसाइट्स, तो लाइंड बाय क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स से लाइंड होती है, ठीक है ना। तो क्वानोसाइट्स क्या होते हैं? तो कॉलेज से क्या हो जाएगा? क्वानोसाइट्स, इन्हें बोलते हैं कॉलर सेल्स, क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स बोलते हैं। फिर आगे आ जाएंगे, आएंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या होता है? स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स जो कि स्केलेटल सपोर्ट के लिए होते हैं। किसके होते हैं? स्केलेटल सपोर्ट के लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए होते हैं, एंड मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं। फिर आगे बात करते एच से क्या होता है? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब क्या होता है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग नहीं है। तो एग एंड स्पर्म, एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन सेम बॉडी, एक ही बॉडी में एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आ जाएंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए मैंने एक और फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है ना, देख लेंगे इसका फार्मूला। ए एफ एस जी क्या है? ए एफ एस जी, ठीक है ना। तो ए मतलब क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे होता है? इसमें ए सेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन से, कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल होता है गैमीट फॉर्मेशन से, गैमीट फॉर्मेशन। तो ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा कि क्या याद कर लेंगे? ए एफ एस जी। फिर उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, फॉर से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, जो कि कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है ना। उसके बाद डी से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर होता है तो इनडायरेक्ट होता है, और क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज होती है इसलिए इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। लार्वल स्टेज वाले सभी डेवलपमेंट या एग स्टेज वाले सभी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं, बॉडी से बॉडी पैदा होने वाले डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो लॉ मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज
क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने का तरीका, सिंधिया सेल कैन ओनली ऑपरेट स्कूल कॉलेज स्पोर्ट्स एचआर फॉर डिफेक्शन लॉ, बस यही था। इतनी सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ऑस्कुलम और ऑस्टिया क्या होता है। ये हमारा स्पंज, ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्पंज है और ये बीच में एम्प्टी स्पेस है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पर छोटे छोटे होल होंगे, ठीक है ना, जिनसे पानी अंदर जाएगा, इसे बोलते हैं ऑस्टिया, इसे बोलते हैं ऑस्टिया। और ये बड़ा सी बड़ी सी ओपनिंग होती है, ये बड़ी सी ओपनिंग है, इसे बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। यहाँ पर सबस्टेटम पे अटैच रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो इसमें मूवमेंट, उसमें होता क्या है, ऑस्टिया से यहाँ से वाटर मूव करता है, इसी छेदों से वाटर मूव करता है ऊपर को, यहाँ से मूव करता है ऊपर को, और इस ऑस्कुलम से ये बाहर आ जाता है। इसीलिए दिस इज एनालॉगस टू माउथ एंड दिस इज एनालॉगस टू एनस, ठीक है ना। तो ये माउथ, ये एनस की तरह काम करती है, ये माउथ, इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स इसमें फंस जाते हैं और इनको ये खा लेता है, अपना खाना बना लेता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आखिर में याद कर लेते हैं इनके जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एक यूएस से एसपी आया था जिसने हमारे देश का बीएसएफ ज्वाइन कर लिया, किसने, यूएस का एसपी आया था, यूएस का एसपी आया था जिसने क्या ज्वाइन कर लिया था, हमारे देश में बीएसएफ ज्वाइन कर लिया था, क्या ज्वाइन कर लिया था, बीएसएफ ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसे लिख लेंगे, यूएस एसपी ज्वाइन कर क्या कर लिया, बीएसएफ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, यू से क्या हो गया, यू स्पॉन्जिया, उसके बाद एस से क्या हो गया, साइकन, क्या हो गया, साइकन हो गया, और एसपी से स्पॉन्जिला हो गया, ठीक है। तो यू स्पॉन्जिया, साइकन, स्पॉन्जिला। अब बी से क्या हो गया, इसे बोलते हैं बाथ स्पंज, क्या कहते हैं, बाथ स्पंज, इसे बोलते हैं साइफा, और इसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये हो गया यू एस एस पी, यूएस का एसपी बीएसएफ ज्वाइन करता है, तो यू स्पंजिया, साइकन स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज, साइफा, फ्रेश वाटर स्पंज, इसका दूसरा नाम है, इनके सबके दूसरे नाम है। अगर वो ट्रिक नहीं याद आ रही है तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, यू साइको स्पून, यू साइको स्पून, बाथ साई साफ पानी, बाथ साई, साई मतलब दोस्त, साफ पानी, ऐसे हिंदी में आ जाएगा, यू साइको स्पून, बाथ साई साफ पानी, यू मतलब आप सब जान रहे हैं, क्या हो जाएगा, यू स्पंजिया, साइको मतलब साइकन, स्पून मतलब स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, बाथ मतलब यू स्पंजिया, क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज, साई मतलब हो जाएगा साइफा, साई मतलब हो जाएगा साइफा, और साफ पानी मतलब होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्पंज। दोस्तों ये थे सारे के सारे फंडे जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रहा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोरोना वायरस से बचे रहें, घर पर लॉकडाउन करके बैठे हैं। थैंक यू।